हम सब पैसा कमाने के लिए बहुत तेजी से भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, और तेज और तेज और तेज, क्योंकि जरूरतें बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, बच्चों के स्कूल की फीस बढ़ रही है, रहन सहन का खर्चा बढ़ रहा है। अगर अपनी लाइफ स्टाइल को मेंटेन करना है, कुछ लग्जरी चीजें लेनी है, तो खर्चा बढ़ रहा है। कार की कीमत लगातार बढ़ रही है, टैक्सेशन का बोझ लगातार बढ़ रहा है, मकान खरीदने का खर्चा लगातार बढ़ रहा है। मगर एक पल रुक कर जरा देखिए, जरा सोचिए, जिनके लिए हम भाग रहे हैं वो लोग तो कहीं ना कहीं पीछे छूटते चले जा रहे हैं। हमारे पास वक्त नहीं है अपने बच्चों के साथ खेलने के लिए, हमारे पास वक्त नहीं है अपनी पत्नी को कहीं घुमा फिरा कर लाने के लिए, हमारे पास वक्त नहीं है अपने मां बाप के पैर दबाने के लिए, क्योंकि जिंदगी भाग दौड़ में बीत रही है। मगर कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके पास हमसे ज्यादा पैसा है और हमसे ज्यादा वक्त है उनके पास। वो कुछ ऐसा जानते हैं जो हम नहीं जानते, वो कुछ ऐसा करते हैं जो हम नहीं करते, और आज हम इसी की बात करेंगे। अगर हम बात करें वॉरेन बफेट की, अगर हम बात करें जेफ बेजोस की, अगर हम बात करें मुकेश अंबानी की, अगर हम बात करें टाटा बिल्डर्स की, यदि हम बात करें मार्क जकरबर्ग की, अगर हम बात करें फिल्म स्टार्स की, तो हम ये देखते हैं कि उनके पास हमसे ज्यादा पैसा है और उनके पास हमसे ज्यादा समय भी है। अंबानी के पास समय है अपने परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिताने के लिए, टाटा के पास समय है सामाजिक कार्यों में भाग लेने के लिए, वॉरेन बफेट के पास समय है अपनी लाइफ को एंजॉय करने के लिए। हमारे पास टाइम नहीं है, क्योंकि हम एक ऐसे तरीके से पैसा कमा रहे हैं जिस तरीके में या तो टाइम होगा और या तो पैसा होगा, अमूमन दोनों ही नहीं होता। तो उनका तरीका क्या है? तीन तरीके से देखिए, वो पैसिव इनकम जनरेट करते हैं और तीन तरीके से पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं जो उनका तरीका है। पहला तरीका, यदि हम अंबानी की बात करें, तो वो एक बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा करते हैं, बहुत सारा पैसा लगा के, अरबों खरबों पे लगाकर वो एक एम्पायर खड़ा करते हैं, बहुत सारे लोगों को काम पे रखते हैं और उन लोगों को एक सिस्टम देते हैं, एक सिस्टम बनाते हैं, वो सिस्टम उनके बिजनेस को रन करता है। तो उस बिजनेस में हमेशा एक्टिव रहना उनके लिए जरूरी नहीं है, तो इसको बोलते हैं पैसिव इनकम, जो हमें हमेशा एक्टिव ना रहने के बाद भी आ सकती है, दैट इज पैसिव इनकम। अगर हम बात करें वॉरेन बफेट की, तो वो अपने पैसे को काम पे लगाते हैं, उनका पैसा रोज उनके लिए काम करता है, 24 घंटे उनके लिए काम करता है। तो ये दूसरा तरीका है पैसिव इनकम कमाने का, कि आपके पास अगर खूब सारे पैसे हैं तो अपने पैसों को काम पर लगा सकते हैं। तीसरा तरीका फिल्म स्टार की अगर बात करें, तो फिल्म स्टार किसी मूवी में काम करते हैं तो उनको उसका मेहनताना मिलता है, ये तो तरीका पुराना हो गया, मगर अब वो भी एक्टिव और पैसिव इनकम के फर्क को समझने लगे हैं। तो इस वजह से अब कोई भी फिल्म स्टार या कोई भी सिंगर अपने गाने के या अपने मूवी के कॉपीराइट्स में से शेयर लेता है, प्रॉफिट में शेयर लेता है, रॉयल्टी में शेयर लेता है। तो जब जब भी वो मूवी दिखाई जाती है किसी भी प्लेटफॉर्म पे, या तो किसी सिनेमा हॉल में लगती है, या तो वो किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे दिखाई जाती है, अमेज़न प्राइम पे, नेटफ्लिक्स पे, किसी भी प्लेटफॉर्म पे, जितनी बार उसके कॉपीराइट्स बिकते हैं, जितनी बार उसको बेचने से रॉयल्टी आती है, उसमें कुछ परसेंटेज शेयर उस फिल्म स्टार का भी होता है। यानी काम एक बार, पैसा बार बार, ये भी एक प्रकार की पैसिव इनकम है। तो ये तीन तरीके हमने देखे। तो यदि आपके पास कोई यूनिक टैलेंट है, एबिलिटी है, काबिलियत है, तो फिल्म स्टार की तरह आप भी पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। आपकी डिमांड इतनी ज्यादा है कि डायरेक्टर्स आपको कॉपीराइट में से शेयर देने के लिए तैयार हो जाए, आप भी पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कि अगर आपके पास खूब सारा पैसा है अंबानी की तरह से, तो आप भी बिजनेस कॉर्पोरेट खड़ा करके पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। और तीसरा तरीका, अगर आपके पास खूब सारा पैसा है, तो वॉरेन बफेट की तरह आप भी अपने पैसे से काम करवा के पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। इन तीनों ही तरीके में अगर आप देखें, तो एक चीज कॉमन है कि तीनों तरीकों में पैसा खूब सारा चाहिए, खूब सारा पैसा चाहिए। अगर आपके पास खूब सारा पैसा नहीं है या खूब सारा पैसा लगाना नहीं चाहते, तो आपके लिए एक
चौथा तरीका भी है, एंड दैट इज नेटवर्क मार्केटिंग। जी हां, ठीक सुना आपने, नेटवर्क मार्केटिंग। देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री जिसमें कि हम आम उपभोक्ताओं का नेटवर्क बनाते हैं, वही प्रोडक्ट जो अब तक आप एक अलग चैनल से, ट्रेडिशनल चैनल से खरीदते आए हैं, जिसमें चंद लोगों को बेनिफिट होता था, उसी प्रोडक्ट को आप एक अलग तरीके से लेते हैं, जहां पर आम उपभोक्ताओं को ही आपस में प्रॉफिट शेयर करने का मौका मिलता है। इस इंडस्ट्री में चाहिए क्या? इस इंडस्ट्री में चाहिए थोड़े सपने, थोड़ी सीखने की लगन और थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत कुछ समय तक करने की इच्छा शक्ति। मेहनत किस चीज के लिए? कि लोगों को सच को किस तरीके से सच साबित करके दिखाया जाए। माय डियर फ्रेंड्स, जब झूठ को भी बहुत जोर शोर से बोला जाता है तो कई बार सच की आवाज भी कुछ समय के लिए दब जाती है, तब उससे भी मदद की जरूरत होती है कि कोई आए और उसे बाहर निकालकर दुनिया के सामने लेकर आए। अभी आज किसी भी टीवी में, मूवीज में जितने भी फिल्म स्टार हैं, वो प्रोडक्ट की तारीफ बड़ा चढ़ा करके बहुत जोर शोर से करते हैं, और अक्सर वो प्रोडक्ट होते हैं जिनका वो खुद इस्तेमाल नहीं करते हैं, मगर वो शोर इतना ज्यादा है कि उनको बार बार सुनने की वजह से आम लोग सब कुछ जानते हुए भी, सब कुछ समझते हुए भी उनकी बात को मान लेते हैं, वो प्रोडक्ट लेकर आ जाते हैं। तो इस भीड़ में, इस शोर में बड़े प्यार से, बड़े आराम से, बड़े शांत तरीके से आपको अपनी आवाज लोगों तक पहुंचानी है, जो सच है, जो लोगों की जिंदगी बदल सकती है। थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, थोड़ा संघर्ष तो करना पड़ेगा। तो क्या आप इस चैलेंज के लिए तैयार हैं? यदि तैयार हैं तो उनके साथ एक बार बैठकर इस इंडस्ट्री को जरूर समझिए, क्योंकि इस इंडस्ट्री के बारे में जितनी सच्चाई हम और आप जैसे लोग बता रहे हैं, उससे ज्यादा भ्रांतियां फैलाई जाती हैं समय समय पर, जिसकी वजह से थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत हम लोगों को करनी पड़ती है। बट ये अभियान है आजादी का। आज से 18 साल पहले मैं इस अभियान में शामिल हुआ, मैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आया, और आज इस इंडस्ट्री ने मुझे आजादी दी है, फ्रीडम दी है, फाइनेंशियल फ्रीडम, पैसा अपनी मर्जी का, समय अपनी मर्जी की, और किसी भी विपरीत हालात में भी पैसा आता रहे, इसकी आजादी, एंड दैट इज फाइनेंशियल फ्रीडम। और माय डियर फ्रेंड्स, फ्रीडम इज नॉट फ्री एंड फ्रीडम इज नॉट इजी। आजादी आसान नहीं है और आजादी मुफ्त में नहीं मिलती, इसके लिए थोड़ी मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी, थोड़ा संघर्ष तो आपको करना ही पड़ेगा। यदि आप ये चैलेंज स्वीकार करने के लिए तैयार हैं तो यकीन मानिए, आप जिंदगी में वो हासिल कर सकते हैं जो शायद अब तक नहीं किया। तो यदि आप अपने परिवार को वाकई में क्वालिटी टाइम देना चाहते हैं, उनके हर वो सपने पूरा करना चाहते हैं जो उनकी आंखों में है, तो आज एक अपॉर्चुनिटी आपके सामने है। अगर मुझे आजादी मिल सकती है तो आपको भी मिल सकती है। Have a great life. See you. Bye-bye. Take care.